वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एसटीए 630 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है इंटरव्यू गाइड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरव्यू के लिए एक गाइड होती है। सो इसमें क्या होता है कि लिस्ट होता है उन टॉपिक्स का जिनको कवर करना होता है इंटरव्यू के दरमियान, और इसको यूज़ किया जाता है पर्पजेज के लिए एक इन डेप्थ इंटरव्यू के। पायलट टेस्टिंग जो होती है ये प्री टेस्टिंग भी कहलाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल स्केल ट्रायल रन होता है पार्टिकुलर कंपोनेंट का। और कन्वेंशनल विजडम जो है बताती है कि प्री टेस्टिंग जो है ना सिर्फ जो है वो एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है डिस्कवर करने के लिए एरर, बल्कि यूज़फुल भी है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए रिसर्च टीम की। कौन करता है फील्ड वर्क? डेटा कलेक्शन जो होता है स्पॉन्सर स्टडी के अंदर बहुत कम ही ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है कि वो शख्स करे जो डिज़ाइन करे रिसर्च प्रोजेक्ट को। और इन हाउस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब पर्सनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको लाजमी तौर पे जारी बात है सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ट्रेनिंग जो कि इंटरव्यूअर रिसीव करता है सेलेक्ट होने के बाद एक कंपनी की तरफ से वो वेरी करती है वर्चुअली नो ट्रेनिंग से लेकर 1 वीक प्रोग्राम तक, यानी कि 1 हफ्ते की जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम तक। और जो रोल है इंटरव्यूअर का वो डिफ़िकल्ट होता है। ये हासिल करते हैं कॉपरेशन और बिल्ड करते हैं रिपोर्ट, येट के ये रहते तो न्यूट्रल भी हैं और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये प्रॉबिंग की बात करें तो प्रॉबिंग मतलब इसका ये होता है कि वर्बल प्रॉम्प्ट जो कि करता है फील्ड वर्कर जब रिस्पोंडेंट को जो है लाजमी तौर पे मोटिवेट होना चाहिए कि कम्युनिकेट करे वो उसके आंसर, और या तो एनलार्ज करे उनको क्लैरिफाई करे या फिर एक्सप्लेन करे एक आंसर को। रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं। रूल जो होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वो वेरी करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ। और जनरल जो रूल है जबकि वो ये है कि एक चेक रखा जाए बॉक्स के अंदर जो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे रिस्पोंडेंट के आंसर्स को। टर्मिनेटिंग द इंटरव्यू की हम बात करते हैं। फील्ड वर्कर को क्लोज नहीं करना चाहिए इंटरव्यू इससे पहले कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर की जा चुकी है। और इंटरव्यू बाइस की हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो हासिल की जाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो फ्री होना चाहिए एज पॉसिबल ऑफ बाइस। अब हर इंसान के अंदर जाहिर बात है बाइस ज़रूर होती है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, और बहुत से लोगों का जाहिर बात है अगर बैकग्राउंड ही ऐसा है कि बाइसनेस वाला बैकग्राउंड है तो उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है इस तरह की चीज़ों का। तो जितना पॉसिबल हो सके जाहिर बात है उस हद तक इंटरव्यू को फ्री ऑफ बाइस होना चाहिए। और बाइस जो है जारी बातें इंटरव्यूअर की तरफ से भी हो सकती है, इंटरव्यूई की तरफ से भी हो सकती है, या सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए जिसके अंदर बाइसनेस जो है वो आ जाती है। तो जारी बातें पॉसिबल यही है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना कम किया जाए बाइसनेस को। सैंपल जो है वो क्या होता है? सैंपल जो है सबसेट होता है या कुछ पार्ट होता है एक लार्जर होल का, एक बड़ी सी चीज़ है उसका कोई एक हिस्सा ले लें हम या उसका कोई सबसेट ले लें उसको हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल क्यों किया जाता है? सैंपल लिया जाता है अच्छा पूरी चीज़ के बजाय सैंपल का यूज़ किया जाता है। सैंपल से टाइम बचता है, लेबर भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि अगर पूरी पूरी चीज़ की तरफ हम जाएंगे तो काम करने पे जाएंगे पूरी चीज़ों के ऊपर तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेबर और कॉस्ट भी बहुत लगेगी। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट को भी देखना होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल रिज़ल्ट भी हमें मिल जाते हैं। और सैम्पलिंग ही सिर्फ वाहिद तरीका हो, कई जगह ऐसा भी होता है कि सैम्पलिंग ही वाहिद तरीका है डिटरमाइन करने पीरियड ऑफ स्टडी, तो ये तमाम वजूहात होती हैं। सैम्पलिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे कि एलिमेंट है, ये वो यूनिट होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो कि प्रोवाइड करती है बेसिस बुनियाद एनालिसिस के लिए। पॉपुलेशन की बात करते हैं थ्योरेटिकली स्पेसिफाइड एग्रीगेशन होती है कुछ एलिमेंट्स की यानी कि उनको जमा किया जाता है स्टडी एलिमेंट्स की। और टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो कंप्लीट ग्रुप होता है स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट्स का जो कि रिलेवेंट होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट से। सैम्पलिंग यूनिट की बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट है या फिर सेट ऑफ एलिमेंट है जिसको कंसिडर किया जाता है सिलेक्शन के लिए कुछ स्टेज के अंदर सैम्पलिंग की, और सैम्पलिंग जो है वो की जा सकती है सिंगल स्टेज में या फिर मल्टीपल स्टेजेस में। पैरामीटर की बात करते हैं तो एक समरी, ये जो समरी डिस्क्रिप्शन होता है गिवन वेरिएबल का एक पॉपुलेशन के अंदर।
कन्वीनेंस सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इससे मुराद सैम्पलिंग होती है जो कि की जाती है हासिल करते हुए यूनिट्स या फिर जो लोग होते हैं जो कि कन्वीनेंटली तौर पर अवेलेबल है, यानी कि जो इजीली अवेलेबल हैं कन्वीनेंस के साथ। पर्पजिव सैम्पलिंग की हम बात करते हैं तो टॉपिक की टाइप को देखते हुए रिसर्चर जो है वो क्राइटेरिया रखते हैं सब्जेक्ट्स के लिए जो कि शामिल होगा सैम्पल के अंदर, और जो कोई भी मीट करेगा उस क्राइटेरिया को जो रखा है रिसर्चर ने उसको सिलेक्ट किया जा सकता है सैम्पल के अंदर। स्नोबॉल सैम्पलिंग की हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह स्नोबॉल है, जिस तरह आपने स्नोबॉल अक्सर देखा होगा, दिखाते हैं अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर के छोटी सी होती है और छोटी स्नोबॉल गिरना शुरू होती है और जैसे जैसे वो नीचे आती चली जाती है वो बड़ी आती चली जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि शुरुआत तो की जाती है एक या चंद लोगों से या केसेस से और फिर वो फैलता चला जाता है लिंक्स की बेसिस के ऊपर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो एक रिसर्च जो कि डेवलप करती है एक एक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम, सेलेक्ट किया जाता है एलिमेंट्स को सैम्पलिंग फ्रेम से मैथमेटिकली रैंडम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और लोकेट किया जाता है एग्जैक्ट एलिमेंट जिनको सेलेक्ट किया गया था इंक्लूजन के लिए सैम्पल के अंदर। और रैंडम सैम्पलिंग गारंटी नहीं देता कि हर रैंडम सैम्पलिंग परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे पॉपुलेशन को। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल की बात करते हैं तो जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तो जो यूज़ है सिंपल रैंडम सैम्पल का वो हो सकता है प्रोड्यूस ना करें रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। कोडिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि असाइन किया जाता है नंबर्स या फिर दूसरे सिंबल्स आंसर्स को, और यानी कि आंसर्स को कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं या सिंबल्स दे दिए जाते हैं ताकि रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको ग्रुप किया जा सके, उनका ग्रुप बनाया जा सके, ग्रुपिंग की जा सके लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर या कैटेगरीज के अंदर। स्केल की हम बात करते हैं तो एक ऐसा मेजर होता है जिसमें रिसर्चर कैप्चर करता है इंटेंसिटी को, डायरेक्शन को, लेवल को या पोटेंसी को एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट की, और इंडेक्स जो है वो मेजर होता है जिसके अंदर रिसर्चर ऐड करता है या कंबाइन करता है कई सारे डिस्टिंक्ट इंडिकेटर जो एक कंस्ट्रक्ट के सिंगल स्कोर के अंदर। टेबलर और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है डेटा की वो लेती है कोई भी नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो कि रेंज जिसकी होती है कंप्यूटर प्रिंटआउट से एलोबरेट पिक्टोग्राफ तक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो कई सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, एक तो डेटा नंबर्स की फॉर्म में लेकिन एक होता है कि उसको डिस्प्ले किया जाए। तो सबसे जो ईजीएस्ट तरीका हो सकता है डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा एक वेरिएबल का वो ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाए। और इंक्लूड जो किया जाता है टोटल्स जो है कॉलम का और रोज का ये कहलाए जाते हैं मार्जिनल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बिल्ड करती है प्रिंसिपल के ऊपर पॉजिटिविस्ट अप्रोच की ज़्यादा डायरेक्टली दूसरी जो रिसर्च टेक्निक हैं उनके मुकाबले में। अब जो पार्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो क्या हैं वो आपके सामने हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, प्री टेस्ट होता है जो पहले होता है पोस्ट टेस्ट बाद में होने वाला, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी आ जाता है कंट्रोल ग्रुप भी, इसके अलावा जो असाइनमेंट है सब्जेक्ट्स की। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि तमाम डिज़ाइन जो होते हैं वो वेरिएशन होते हैं क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, जिसका रैंडम असाइनमेंट होता है सब्जेक्ट का, एक प्री टेस्ट है, एक पोस्ट टेस्ट है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप है। कोडिंग की बात करते हैं दोबारा तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है और क्लासिफाई किया जाता है हर आइटम को, लेबल दिया जाता है और कैटेगरी को, यानी कि कुछ लेबल दे देते हैं कुछ जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि कुछ सिंबल वगैरह। सेकेंडरी डेटा की हम बात करते हैं तो डेटा प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है, जब रिसर्च होती है तो दोनों तरह के डेटा को देखा जाता है। तो सेकेंडरी डेटा से मुराद इन्फॉर्मेशन जिसको जारी बातें गैदर किया होता है किसी दूसरे ने, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से ही गैदर हो चुकी है उस इन्फॉर्मेशन तक जारी बातें पहुँचा जाता है। और ये जारी बातें लाइब्रेरीज़ के ज़रिए हम कर सकते हैं और आज के इंटरनेट के दौर में हम ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, तो
हम खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब ऐसे खुद से लोग रिसर्च करते हैं इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए या क्वेश्चनियर के ज़रिए या सर्वे वगैरह के ज़रिए, लेकिन जो ऑलरेडी ज़ाहरी बात है डेटा कलेक्ट हो चुका है तो वो जो है सेकेंडरी डेटा में आएगा, वो प्राइमरी में नहीं आएगा। वैलिडिटी की हम बात करते हैं तो ये तब होती है जब रिसर्चर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैच नहीं करती गवर्नमेंट एजेंसी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन को। और रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम जो है डेवलप होती है जब ऑफिशियल डेफिनेशन या मेथड जो है कलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन को वो चेंज होती है ओवर टाइम वक्त के साथ साथ। यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जो है वो पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं या फिर नॉन पार्टिसिपेंट भी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर रिसर्चर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं स्मॉल स्केल सोशल सेटिंग के अंदर, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट स्टडीज़ के अंदर ये होता है कि रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर जो है लोगों का बग़ैर उनके साथ इंट्रैक्ट किए हुए, यानी कि कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें तो पॉजिटिविस्ट रिसर्चर जो है रिजेक्ट करते हैं आइडिया को कि जो है वो डिस्टिंक्ट एससी मेथड है, उस इस आइडिया को वो रिजेक्ट कर देते हैं। लोकेटिंग एविडेंस की बात करें तो रिसर्चर्स जो है वो क्या करते हैं, लोकेट करते हैं और गैदर करते हैं एविडेंस को एक्सटेंसिव बिब्लियोग्राफिक वर्क के ज़रिए। ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस की हम बात करते हैं तो एज अ रिसर्चर जो है वो गैदर करते हैं एविडेंस को, लोकेट करते हैं न्यू सोर्सेस, और ही और शी जो है यानी कि वो जो है क्या कहते हैं बिगिन करते हैं ऑर्गेनाइज करना डेटा। सिंथेसाइजिंग की हम बात करते हैं रिसर्चर जो है वो रिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट को और वो मूव करते हैं जनरल एक्सप्लेनेटरी मॉडल की तरफ इसके बाद के जब ज़्यादातर जो एविडेंस है वो इन है। राइटिंग अ रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो कंबाइन करना एविडेंस कॉन्सेप्ट और सिंथेसिस जो है एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, और जिस तरीके से रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ की के तौर पे ऐसी रिसर्च के अंदर। और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव जो रिसर्चर होते हैं वो जो है चार तरह की जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको ड्रॉ करते हैं, चार तरह के एविडेंस या डेटा भी होते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी सोर्सेस आ जाती हैं, सेकेंडरी सोर्सेस आ जाती हैं, रनिंग रिकॉर्ड और रिकलेक्शन ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रिसर्च के अंदर जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होते हैं ये ज़्यादा फॉर्मल तरीका होता है हासिल करने का, ग्रुप्स जो है लोगों को यानी कि ग्रुप्स बनाने का ताकि डिस्कस किया जाए सिलेक्टेड इशूज़, और एक ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक फोकस ग्रुप डिस्कशन जो एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें 6 से 12 लोग होते हैं जिनको गाइड करता है एक फैसिलिटेटर जो है जिसके दरमियान ग्रुप मेंबर जो है वो टॉक करते हैं फ्रीली तौर पर भी और स्पॉन्टेनियसली तौर पे एक सर्टेन टॉपिक के बारे में। फॉर्मल फोकस ग्रुप की हम बात करते हैं तो ये फॉर्मली तौर पर इनको बनाया जाता है और इनको एडवांस में ही ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है इनवाइट करते हुए सिलेक्टेड इंडिविजुअल को कि वो पार्टिसिपेट करे डिस्कशन में एक स्पेसिफाइड इशू के ऊपर। फंक्शंस ऑफ द रिकॉर्डर की हम बात करते हैं तो रिकॉर्डर को रखना चाहिए एक रिकॉर्ड कंटेंट का डिस्कशन के, और इसी के साथ साथ जो इमोशनल रिएक्शन होते हैं जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं ग्रुप इंट्रैक्शन के। केस स्टडी की बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है सिंगल सिचुएशन का या फिर नंबर ऑफ स्पेसिफिक केसेस का सिचुएशन का जैसे कि केसेस। रिपोर्ट फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो रिपोर्ट फॉर्मेट एक जनरल प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द पार्ट्स के लिए जो एक रिटन या ओरल रिसर्च रिपोर्ट के होते हैं। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल की बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट होता है ये इंक्लूड होता है रिलेटिवली फॉर्मल या बहुत ज़्यादा जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है, और इसका पर्पस क्या होता है कि रिलीज़ किया जाए या डिलीवर किया जाए रिपोर्ट जो है रिसिपिएंट्स को। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की बात करते हैं तो ये लेटर होता है रिसर्चर को अप्रूव करते हुए प्रोजेक्ट, और इसमें डिटेल होती है कि
किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट के लिए, और इंडिकेट करता है कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि उसको सपोर्ट किया जाए। टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो एसेंशियल होते हैं किसी भी रिपोर्ट के लिए, और इसको जो है वो लिस्ट देनी चाहिए डिविजन्स की और सब डिविजन जो होते हैं रिपोर्ट की पेज रेफरेंस। नाउ द एग्जीक्यूटिव समरी। अब रिपोर्ट पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका समरी वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, और ये जो है वाइटल पार्ट है रिपोर्ट का, क्योंकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो ज़्यादातर मैनेजर्स होते हैं वो रिपोर्ट की समरी ही रीड करते हैं, पूरी की पूरी नहीं करते, जबकि सिर्फ माइनॉरिटी है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बाकी रिपोर्ट को रीड कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से रिपोर्ट जो है जो समरी होती है यही जो एक चांस होता है राइटर के लिए कि एक इम्पैक्ट करें, एक असर डालें, एक असर डालने के लिए यही समरी के अंदर ही उनके पास चांस होता है। मेन बॉडी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो बल्क हिस्सा आ जाता है रिपोर्ट का, इसके अंदर शामिल है इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन और जो रेकमेंडेशन होती है स्टडी की। बिब्लियोग्राफी की हम बात करते हैं तो ये जो है क्या है, लिस्टिंग होती है वर्क्स की जो कि रिलेवेंट होते हैं टॉपिक्स के साथ, टॉपिक ऑफ रिसर्च के साथ, टॉपिक ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट के साथ, जिसको अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर, यानी कि अल्फाबेटिकल्स के मुताबिक, यानी कि ABCD के हिसाब से, और लास्ट नेम जो होते हैं ऑथर्स के उनके। अच्छा, कोटेशंस इन टेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो कोट किया जाता है, कोटेशंस जो है वो सिर्फ रिसर्च वगैरह के वर्क के अंदर ही या बुक्स वगैरह के अंदर ही नहीं, हर जगह कोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को कोट किया जाता है। कोटेशन में यही होता है कि एग्जैक्टली जो है ज़ाहरी बातें एग्जैक्टली कॉपी किया जा रहा होता है, लेकिन ज़ाहरी बातें वहाँ पर मेंशन होता है कि हमने इसका स्टेटमेंट या जो भी सेंटेंस है यहाँ से हमने कोट किया है। तो इसके अंदर ओरिजिनल वर्डिंग, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, इटैलिक, ये तमाम चीज़ें जो है ज़ाहरी बातें प्रिजर्व होना चाहिए बिल्कुल ऐसी का ऐसी, इवन के उसमें एरर भी क्यों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।